नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कि कैसे दो स्टूडेंट्स हर्ष और माधव को पीटा गया जो अमिटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे नोएडा में, बिकॉज उन्होंने कोई लड़की कोमल को बोला अपनी कार को हटाने के लिए, विच वॉज पार्क्ड रॉन्गली ऑन द रोड्स। जी हाँ, हमारे देश भारत के अंदर हमने देखा है कि फेमिनिज्म को कैसे रॉन्गली मिसयूज किया जाता है बाय द फेमिनिस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि थोड़े दिन पहले हमने एक ड्रंक लड़की का वीडियो देखा था जहां पे वो इंडियन आर्मी को अब्यूज कर रही थी और इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को अब्यूज कर रही थी। पूना में ये लड़की रहती है, क्योंकि आई थिंक वो ड्रंक थी और उसने नशे की हालत में अपनी गाड़ी को बैंग किया था, एंड बिकॉज द पुलिस वॉज कॉलिंग हर आउट शी वॉज अब्यूजिंग द पुलिस एंड इंडियन आर्मी। वैसे ही एक और फेमिनिस्ट है कोमल करके, जो अपेरेंटली अमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में पढ़ती है या एसोसिएटेड है, क्योंकि हर्ष और माधव जो ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, इन्होंने इस लड़की को बोला अपनी गाड़ी हटाने को जो रॉन्गली पार्क्ड थी। इसने ऑब्वियसली ये मौके का फायदा उठाया और 20-25 अपने कोई मेल फ्रेंड्स को बुलाकर इन दो लड़कों को पीटा विद स्टोन्स, विद ब्रिक्स, विद लकड़ीज। बोथ दीज बॉयज आर हॉस्पिटलाइज्ड, वन ऑफ देम इज इन ICU। सो दिस इज वेरी पैथेटिक, क्योंकि कुछ दिन पहले ऑब्वियसली मैंने बात करने की कोशिश करी थी कि किसी ने हमें बोला था और हमारे साथ न्यूज लिंक्स शेयर हुए थे कि कैसे उनाव रेप विक्टिम ने एक फॉल्स रेप केस डाला था ओवर BJP विधायक कुलदीप सेंगर। अब ये टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए भी लोग हमें बेवकूफ समझते हैं, क्यों? क्योंकि उनाव रेप विक्टिम एक औरत थी एंड कुलदीप सेंगर एक BJP का विधायक। नाउ दिस थॉट प्रोसेस इज बैड। जो भी ऑब्वियसली आरोपी था, टू काइंड ऑफ कॉज द डेथ ऑफ द फैमिली मेंबर्स ऑफ द उनाव रेप विक्टिम एंड ऑब्वियसली हर कार क्रैश, needs to be punished। मगर क्या उसने शुरुआत में वो रेप का जो केस दर्ज किया अगेंस्ट कुलदीप सेंगर वो सही था या गलत, ये जानना भी बहुत जरूरी है भारत के संविधान के अंदर, to protect the rights of men, because all women are not victims and all male are not rapist। ये thought process को भी हमें address करना चाहिए ये so called दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र में, क्योंकि आज के टाइम में ये जो फेमिनिस्ट हैं, जो अपने आप को कहलवाती हैं एज बरखा दत्त या स्वरा भास्कर या राणा अयूब या फलाना फलाना, ये ऑब्वियसली उन केसेस के लिए खड़ी हो जाती है जहां पे उनको फायदा लगता है, मगर एक्चुअल सिचुएशंस जहां पे औरत भी गलत हो सकती है, औरत भी मिसयूज कर सकती है ये फेमिनिज्म के टैग को, ये मोलेस्टेशन के चार्ज को, ये रेप के चार्ज को, तब ये औरतें गायब हो जाती है। सो आई थिंक देयर नीड्स टू बी जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया, एंड फॉर वंस एंड फॉर ऑल वी हैव टू हैव स्ट्रिक्ट लॉज कि ऑब्वियसली मोलेस्टेशन शुड नॉट बी अलाउड, रेप इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस एंड रेपिस्ट शुड बी गिवन डेथ पेनल्टी। मगर अगर कोई लड़की रेप जैसे शब्द का गैर इस्तेमाल करती है for her personal vengeance or vendetta, then that girl also needs to be put behind bars, because ye karne se wo ek aadmi ki zindagi, uske parivar ki zindagi sab kharab kar rahi hai। The same thing happened with Zaira Wasim, jab usne ek aadmi ke toenail se molestation uske saath ho rahi thi business class फ्लाइट के अंदर, ये इंसिडेंट बयान किया था ऑन हर इंस्टाग्राम लाइव एंड लेटर जाके पता चला था कि द एंटायर इंसिडेंट वॉज अ फॉल्स इंसिडेंट। सो दिस नीड्स टू स्टॉप इन डेमोक्रेटिक इंडिया, बिकॉज फेमिनिज्म के चक्कर में जेंडर इक्वालिटी एकदम खिड़की से बाहर चली गई है। फेमिनिज्म के चक्कर में आदमियों को टारगेट किया जा रहा है एंड दिस इज रॉन्ग। इंडियन वुमेन आर स्ट्रांग, इंडियन वुमेन को जरूरत नहीं है ये फेमिनिज्म के नकाब के पीछे छुपने की, बिकॉज भारत की संस्कृति में औरतों को पूजा जाता है, मगर ये कुछ औरतें जो भारत को बिलोंग करती हैं वो ना भारतीय संस्कृति को समझती है ना वो वेस्ट को समझती है, वो एक थाली की बैंगन जैसी होती है, ना इधर की ना उधर की, वो वेस्ट को कॉपी करना चाहती है, अच्छी बात है, वो ड्रिंक करना चाहती है, अच्छी बात है, मगर ड्रिंक करके अगर उसकी गाड़ी से किसी मासूम की गाड़ी को अटैक होता है या एक्सीडेंट होता है, तो वो ऑब्वियसली
अरेस्टेशन का चार्ज लगा देती है उस आदमी के ऊपर जो ऑब्वियसली उसको क्वेश्चन करता है. तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड बाय द सो कॉल्ड यू नो इंटेलिजेंट quotient of India, because this intelligent quotient of India, which belongs to the intellectuals of India, need to understand ki feminism ke gaab mein bahut zyada gender inequality ho rahi hai. Namaskar.